चलो हम लोग चालू करते हैं आज का क्लास तो सबको मेरा वॉइस आ रहा है यस और नो फटाफट से बता दीजिए ऑस्टिन लिंबू पूछ रहा है हैज देयर बीन एनी मॉक टेस्ट द आंसर इज यस हमारे एलएमएस में थ्री ऑफिशियल सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट हैं एंड इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए अभी तक हमने मॉक टेस्ट जो है अभी तक नहीं डाला है पेपर बी का मॉक टेस्ट सेम रहेगा पेपर ए का तीन एमसीक्यू फॉर्मेट में मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे द इंडियन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स ओके तो आइए हम लोग चालू करते हैं आई जस्ट लाइक द पेपर पैटर्न विच द इंडियन इंस्टीट्यूट हैज गिवेन इट्स अमेजिंग ओके इट्स टोटली एम सी क्यू बेस्ड सो लेट्स स्टार्ट देर इज ऑल्सो वन मोर अपडेट दैट द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड एट ऑफलाइन सेंटर्स ओके एंड अनाउंसमेंट हमने हमारे पेज पे डाल दिया है एंड अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग प्लीज मेरे को मैसेज भी डाल सकते हो आवर इंस्टीट्यूट नंबर इज एट वन डबल जीरो फाइव नाइन एट फाइव फोर थ्री ओके चलिए अब हम लोग चालू करते हैं आज का क्लास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन से थ्री एक डेटा आपने को दिया हुआ है उसके पे बेस्ड है अ रिसर्च फॉर्म इज एनालाइजिंग द नंबर ऑफ लाइक्स फॉर न्यू पोस्ट बाय द बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन द कंट्री ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स्टाग्राम स्केप बुक एंड फ्रिटर इट इज एस्टिमेटेड दैट द नंबर ऑफ लाइक्स रिसीव्ड पर सेकेंड न्यू पोस्ट ऑन एक्स्टाग्राम फॉलोज अ पॉइजन प्रोसेस विद सो बेसिकली एक्स फॉलोज पॉइजन basically, X follows पर सेकेंड per रिनाउट सोशल मीडिया social मिस्टर influencer, हैज ओपनली क्लेम्ड दैट इज न्यू रील ऑन सी एस वन सी एस वन बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं आप इधर बैठ के पढ़ लीजिए सेल्फ स्टडी आर ए नाउट सोशल मीडिया इन्फ्लूंसर मिस्टर न्यूमेरोनो हैज ओपनली क्लेम दैट इज न्यू रील ऑन एक्स्टाग्राम विल रिसीव एग्जैक्टली फोर्टी लाइक्स इन अट तो इफ दिस इज पर सेकेंड तो एक्स विल फॉलो पॉइजन जीरो पॉइंट फोर इन टू सिक्सटी पर मिनिट राइट सो फोर्टी लाइक्स वेरी गुड बैठो फोर्टी लाइक्स इन अ मिनिट तो अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू फोर्टी ये अपने को निकालना है ठीक है सब लोग इसको फटाफट फ़ड़ से कैलकुलेट करिए करें। कैसे करेंगे ई टू दावर माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर टू दावर फोर्टी बाय फोर्टी फैक्टोरियल ठीक है बहुत सिंपल था इंडियन इंस्टीट्यूट का पेपर कर रहे हैं 2024 का मे का ठीक है निकाल लो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है यह वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया येस और नो आज जब तक सारे बच्चे येस और नो में जवाब नहीं देंगे क्लास आगे नहीं बढ़ेगा येस और नो सबको आज इंटरेक्ट करना पड़ेगा यस वेरी गुड द मीन वेटिंग टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लाइक्स

Follow Poison Process The Waiting Time The Waiting Time Between Two Consecutive Likes is एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पैरामीटर 0.4 ठीक है ना और एक्सपोनेंशियल का मीन क्या होता है वन बाय जीरो पॉइंट फोर विच इज टू पॉइंट फाइव सेकेंड्स इज इट क्लियर अगर नंबर पॉइजन फॉलो कर रहा है तो वेटिंग टाइम एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा पैरामीटर सेम और उसका मीन निकालने बोला है अपने को फिर बोलता है अ नोविस ऑन सोशल मीडिया मिस्टर सेरो हैज ऑलरेडी वेटेड फॉर टेन फॉर रिसीविंग अ लाइक फॉर इज न्यू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम विथ नो सक्सेस वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट मोर फॉर रिसीविंग हिज फर्स्ट लाइक तो पहला बात तो मेमरी लेस प्रॉपर्टी होता है तो पहला जो तो दस सेकेंड बीत गया उससे कोई रिलेशन नहीं है अब नया दस सेकंड का खाली अपने को कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू विल बी ग्रेटर दैन टेन सो दिस इज ई टू दी पावर माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन सो दिस इज वन पॉइंट एट थ्री टू परसेंट यह सबको समझ में आया yes no? ये और नो ये सबको समझ में आया येस और नो वेरी गुड ओके अब इसके बाद में क्वेश्चन फोर एंड फाइव पे अपने ध्यान देंगे इस पेपर में टोटल में अगर आप देखेंगे 20 एमसीक्यूज हैं और फिर 21, 22, 23, 24 और 25 और 26 सिक्स टो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ठीक है आइए सो क्वेश्चन नंबर फोर अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव का डेटा अपने को दे दिया है क्वेश्चन नंबर फोर पे अपने ध्यान देंगे टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्केब बुक एंड फ्रिटर आर बीपेड बाई द रिसर्च फॉर्म इन टर्म्स ऑफ दिटवीन टू कंजीक्यूटिव लाइक्स टारगेट ऑडियंस ऑन बोथ दिस प्लेटफॉर्म डिफरेंट स्केज यूज मोस्टली बाई यंगस्टर्स अप टू एज फोर्टी एंड फ्रिटर इज जनरली यूज बाई द ओल्डर पॉपुलेशन विद एज फोर्टी एंड अब तो यहां पर लोग डिफरेंशिएट कर दिया है एक कर दिया है स्केब बुक फॉर अप टू फोर्टी और उसके बाद में आपका आ जाएगा फ्रिटर तो फ्रिटर क्या आ जाएगा ओल्डर पॉपुलेशन 40 एंड अबव वेटिंग टाइम्स आर मॉडल्ड यूजिंग इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विथ मीन्स ऑफ वन सेकेंड एंड टू सेकेंड रेस्पेक्टिवली क्या बोल रहे हैं वेटिंग टाइम्स आर मॉडल्ड यूजिंग इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल वेरिएबल्स सो ये वाला आपका क्या फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल वन और ये वाला आपका क्या फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल जीरो पॉइंट फाइव क्योंकि मीन दे दिया है ना अपने को तो वट इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है सो so, अपने को सबसे पहले एफ एक्स निकालना है एफ एक्स इज ई टू दावर माइनस एक्स एफ वाई इज हाफू दावर माइनस हाफ वाई ठीक है एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट होगा तो ज्वाइंट क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई याद आ रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई तो क्या हो जाएगा बताओ दिस इज ई टू दावर माइनस एक्स हाफ ई टू दावर माइनस हाफ वाई है ना x इज लेस देन इन्फिनिटी ठीक है सॉरी रेंज ऐसा बनेगा इसका इसका रेंज बनेगा जीरो से बड़ा होगा एक्स कॉमा वा इन्फिनिटी ठीक है देख लो इसको इसके बाद में अपने को क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेट द जॉइंट एमजीएफ ऑफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड बाई वी डिपैंड एज एस फॉलोस तो अपने को क्या बोल रहे हैं एम एक्स कॉमा वाई टी कॉमा एस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स टी प्लस वाई एस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द्वाइंट एमजीएफ ऑफ रैंडम वेरिएफ ऑफ रैंडम वेरियबल्स एक्स एंड वाई सो एम एक्स कोमा ज्वाइंट एम जी एफ का बात हो रहा है तो ज्वाइंट एम जी एफ क्या होता है सो एम एक्स टी अपना क्या है पहले तो ये बताओ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर टी एक्स है ना एंड m वाई एस क्या हो जाएगा अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू पावर एस वाई सुनो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ज्वाइंट एमजीएफ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं पहले यहां तक कॉपी कर लो यहां तक कॉपी हो गया पहले यहां तक कॉपी कर लो डन अब इसके बाद अब इसके बाद यहां तक कॉपी हो गया ना तो एम एक्स वाई टी एस तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर एक्स टी प्लस वाई एस सो दिस इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर एक्स टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर वाई एस सो यह क्या हो जाएगा एम एक्स टी इंटू एम वाई ना एम एक्स टी इंटू एम वाई एस होगा ना गलत लिखा है लोग सॉल्यूशन में ठीक है सब लोग हां लिखेंगे चैट बॉक्स में तो ही क्लास आगे बढ़ेगा नहीं तो आज नहीं बढ़ेगा मैं अभी बंद कर दूंगा ऑनलाइन क्लास मैं बेवकूफ नहीं हूं जो यहां पर बोले जा रहा हूं प्लीज आपका वॉइस नहीं आ रहा आप चैट बॉक्स पर लिखिए जो भी आपका क्वेरी है आज से आप लोग को भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा ये एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं है यहां पर फिर मैं कुछ भी बोलूंगा आप लोग बोलेंगे सर आप गुस्सा करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर रिपीट करना है मैं करूंगा च ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स वाई ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है अपने क्वेश्चन में बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल वेरियेबल्स तो ज्वाइंट ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स इफ वॉट इंडिपेंडेंट तो वही वाला प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लगाया है दोनों इंडिपेंडेंट है ना तो वही वाला प्रॉपर्टी मैंने पे लगाया है ठीक है ना <coughs> चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स से टेन अप करेंगे द नंबर ऑफ चेक्स डिज बाय नंबर ऑफ चेक्स डिज ऑनर्ड वाई इन अ बैच ऑफ एक्स चेक्स तो यह पूरा मेरा बैच हो गया एक्स चेक्स का मेरा बैच हो गया राइट इसके अंदर में क्या है वाई तो यह पूरा क्या हो गया डिज ऑनर्ड मेन फॉर क्लियरिंग इन अ लोकल ब्रांच ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक इज मॉडल्ड एज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल विथ मीन लैमडा एक्स पॉइजन रैंडम वेरिएबल टॉकिंग अबाउट पॉइजन रैंडम वेरिएबल पॉइजन रैंडम वेरिएबल विथ मीन लैमडा एक्स वेर लैमडा इज अनोन रैंडम वेरिएबल विथ मीन लैमडा एक्स ठीक है तो बेसिकली वाई इज बींग मॉडल्ड एज पॉइजन लैमडा एक्स है ना

मैथड ऑफ मोवमेंट एस्टिमेट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा इज इक्वल टू देखो मेरा बात सुनो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट बोल रहा है ना मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट क्या बोलता है सैंपल इज इक्वल टू पॉपुलेशन है ना तो पॉपुलेशन का मीन क्या होगा लैमडा एक्स है ना लैमडा एक्स तो बेसिकली अपने क्या बोलेंगे एंड सैंपल का मीन क्या होगा वाई बार बार होगा ना सो so, अपने क्या बोल सकते हैं लैमडा हैट इज इक्वल टू व्हाट समेशन ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एक्स पहले बताओ ऐसा क्यों <coughs> बताओ <coughs> तो अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं लैमडा डा हैट एक्स इज वाई बार तो क्या हुआ समेशन ऑफ ठीक है फिर फिर अपने क्या बोल सकते हैं लैमडा हैट एक्स इज वॉट समेशन ऑफ तो फिर बोलो कैसे आ रहा है बताओ एनी वन इन द ऑनलाइन जो चैट बॉक्स पे रिप्लाई करना चाहेगा बताइए देखो अपने को कितने ब्रांचेस का दिया है अपने को कितने ब्रांचेस का दिया है अपने को दिया है छह ब्रांचेस का ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ चेक्स इज ऑन वाई वाई इज फॉलोइंग पॉइजन रैंडम वेरिएबल विथ मीन वॉट लैमडा एक्स ठीक है तो वेर लैमडा इज अनोन ठीक है अपने को लैमडा के लिए एस्टिमेट निकालने बोल रहा है तो एक बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहला बैच का लेते हैं जैसे बैच वन का डेटा लेते हैं तो बैच वन में क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे तो पचास चेक में एक डिजोनर हो रहा है तो बेसिकली अपना रेशियो क्या आ रहा है 1 by 50 आ रहा है ना तो यहां पर एक्स क्या था वाई क्या है 1, तो मेरा लैमडा क्या आ रहा है आ रहा है ना वन बाई फिफ्टी कैसे आ रहा है समेशन समेशन ऑफ ऑफ बाय तो वही अगर अपने को एक स्टैंडर्ड लैमडा निकालना है सबका तो अपने कैसे निकालेंगे वेरी गुड लैमडा ऑफ मोमेंट में कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एक्स टोटल डिजोनर्ड कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है तब अपना लैमडा निकलेगा वो रेट निकलेगा बेसिकली ठीक है उसके बाद में अपने को बोलता अस फाइंड अस डिफाइन द लीस्ट स्क्टीमेटर लैमडा हेट एल एस सी बाई डेफिनेशन इट इज दैट वैल्यू फॉर लैमडा फॉर विच डा का एक ऐसा वैल्यू फॉर विच समेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का स्क्वायर इज मिनिमाइज क्या बोल रहे हैं दैट वैल्यू फॉर लैमडा दैट वैल्यू फॉर लैमडा फॉर विच समेशन ऑफ़ समाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का स्क्वायर इज मिनिमाइज ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द लीज स्क्वेयर एस्टिमेटर ऑफ लैमडा दट इज लैमडा हैट एल एसी लीज स्क्वायेर एस्टिमेटर ऑफ लैमडा का बात हो रहा है ठीक है <coughs> तो अपने को कौन सा एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है इसको ठीक है सो दिस इज वॉट समेशन ऑफ y माइनस लैमडा एक्स स्क्वेर सो डी डी लैमडा समेशन ऑफ y माइनस लैमडा एक्स स्क्वेर सो क्या आ जाएगा बताओ माइनस टू समेशन ऑफ <coughs> पहले अपने क्या कर रहे हैं जब चेन रूल में कर रहे हैं लैमडा के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना तो टू तो नीचे आ जाएगा तो टू इंटू बोलो एन माइनस वन होता है ना तो टू वाई माइनस ऐसे होगा ना तो टू नीचे आ रहा है, ठीक है समेशन ऑफ y- माइनस लैमडा एक्स अब फिर इसके अंदर का करना है अपने को तो अंदर में क्या हो जाएगा बताओ माइनस एक्स आएगा ना बेटा ठीक है क्या आएगा माइनस टू समेशन ऑफ एक्स वाई फिर माइनस माइनस प्लस टू लैमडा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अब इसको जीरो से इक्वेट कर दो इसको जीरो से इक्वेट करने से क्या आ जाएगा लैमडा ली स्क्वायर एस्टिमेटर इज इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ एक्स वाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है इज इट क्लियर अब इसका सेकेंड ऑर्डर ट्राई करो तो सेकेंड ऑर्डर में क्या आएगा डी टू समेशन ऑफ वाई माइनस लैमडा एक्स का स्क्वायर डी लैमडा स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा टू अब देखो ना ये वाला तो पूरा हट ही जाएगा लैमडा हट जाएगा टू समेसन एक्स स्क्वायर आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है देर मिनिमम ठीक है ना देख लो इसको आराम से ये सेकेंड ऑर्डर शो करना इंपॉर्टेंट है इसके बाद क्या बोल रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज द लाइवलीहुड फंक्शन फॉर लैमडा अपने को लैमडा के लिए लाइवलीहुड फंक्शन बनाने बोल रहे हैं आओ सो एल लैमडा इज इक्वल टू ई टू दी पार माइनस लैमडा summation x into product of lambda x to the power y into 1 by product of y factorial. So this is equal to what? e to the power minus lambda summation of x into product of डा एक्स टू दावर वाई इन टू कॉन्स्टेंट ये सबको समझ में आया यही तो होता है ना पॉइजन है ना फिर इसके बाद में अपने को क्या बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिगार्डिंग द मैक्सिमम लाइटलीवुड एस्टिमेटर विच मैक्सिमाइजेज द लाइटलीवुड फंक्शन फिर ली स्क्वायर एस्टिमेट निकालने बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द गिवन सैंपल डेटा अपने को लेना पड़ेगा एल एन लाइटलीहुड विच इज माइनस लैमडा समेशन एक्स प्लस समेशन ऑफ एल एन लैमडा टू पावर वाई प्लस कॉन्स्टेंट भाई एक्स टू दी पावर वाई तो कॉन्स्टेंट है ना अपने को तो खाली लैमडा से मतलब है ना माइनस लैमडा समेशन एक्स प्लस एल एन लैमडा एल एन लैमडा सब में से बाहर आ जाएगा बेसिकली तो समेशन ऑफ वाई बचेगा प्लस कांस्टेंट ठीक है अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो अपना क्या आएगा डी डी लैमडा ऑफ वॉट एल एन एल लैमडा सो दिस इज वॉट माइनस समेशन ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ वाई इंटू वन बाय लैमडा अब इसको जीरो पुट करो तो लैमडा अपना लैमडा हेट अपना क्या आ जाएगा

तो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है फिफ्टी वन हंड्रेड बाय फोर सिक्स एट फाइव जीरो ठीक है देख लो इसको यहां तक चेक कर लो यहां तक एक मिनट का ब्रेक है स्क्स एस्टिमेट का मतलब क्या होता है देखो ली स्क्वेयर जो एस्टिमेट होता है यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं देखो वाई जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मतलब मीन से कितना दूरी पे है ठीक है ना बेसिकली एरर का स्क्वायर का सम एरर का स्क्वायर कर रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला इफेक्ट हट जाए एरर का स्क्वायर का सम तो बेसिकली एरर को मेरे को मिनिमाइज करना है एस्टिमेट एक मेथड है जिससे कि मेरे को एरर को मैं मिनिमाइज कर सकता हूं ठीक है ना मेरे को ऐसा लैमडा का वैल्यू चाहिए जिसके लिए मेरा एरर सबसे कम आए मैं हिंदी में समझाऊं तो मैं अगर हिंदी में समझाऊं तो ली स्क्वे एस्टिमेट का मतलब क्या होता है लैमडा का ऐसा वैल्यू जिसके लिए मेरा एरर कम आए ठीक है ना लैमडा का ऐसा वैल्यू जिसके लिए मेरा एरर कम आए आओ क्वेश्चन नंबर इलेवन एंड ट्वेल्व करेंगे आप फॉलोइंग डेटा टेबुलेट द नंबर ऑफ मैचेस ऑन अ डेटिंग एप्लीकेशन रंबल for the last 5 years for four different categories number of matches in year j ठीक है 2019 थाउजेंड 20, 21 22 23 टू ट्वेंटी मीन वेरियंस अपने को दे दिया है कैटेगरी आई अंडर 18 एडल्ट्स डाइवोर्स सीनियर्स वेरिएंस ऑफ मीन्स अपने को दे दिया है द क्रेडिबिलिटी फैक्टर जेड आई फॉर ऑल कैटेगरीज आर टू बी डिटर्माइन यूजिंग दजम्शन ऑफ ए बी मॉडल वन वैल्यू ऑफ क्रेडिबिलिटी फैक्टर जेड ए जेड मतलब एडल्ट कैटेगरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मैचेस फॉर एडल्ट्स कैटेगरी ठीक है बहुत सिंपल है कैसे करेंगे बताओ इसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा सो दिस इज वॉट मीन ऑफ वेरिएंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी ठीक है वेरिएंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी तो वेरिएंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी ठीक है वेरिएंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरीज तो वेरिएंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरीज में क्या क्या आएगा थर्टी 17.3, जो वेरियंस वाला जो कॉलम है वो देखना जो वेरिएंस वाला जो कॉलम है वो देखना सो so, 39.3 नाइन प्लस 17.3 प्लस 215.5 प्लस 132.7 ये पूरा चीज को मैं डिवाइड करूंगा किससे फोर से फिर इसके बाद में नेक्स्ट मेरे को निकालना है Variance of M theta. So, this is what Variance of means for individual categories minus one by N. इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस स्क्वायर थीटा मींस फॉर इंडिविजुअल कैटेगरीज तो अपने को कॉलम दिया हुआ वेरिएंस ऑफ मींस व्हिच इज 110.57 माइनस वन बाय फाइव वन बाय फाइव क्यों है बिकॉज पांच साल दियास बाईस तेईस इन टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा जस्ट अभी अपने निकाले वन जीरो वन पॉइंट टू जीरो तो इसका अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा नाइनटी पॉइंट थ्री थ्री अपने को एन का वैल्यू दे दिया है, विच इज फाइव अब अपने मेन निकालेंगे जेड ए अब अपने मेन निकालेंगे जेड ए विच इज एन बाय एन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस स्क्वायर थीटा ठीक है सॉरी एक मिनट एक मिनट सॉरी विच is इक्वल to n बाय n प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ s square theta बाय variance ऑफ m थीटा यही है ना तो सॉल्व कर लो फाइव बाय 5 प्लस वन जीरो होल डिवाइडेड बाय इंटी पॉइंट थ्री थ्री सो दिस इज वॉट जीरो पॉइंट एट वन सिक्स नाइन ठीक है इसके बाद में वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मैचेस फॉर एडल्ट्स कैटेगरी ठीक है सो क्रेडिबिलिटी प्रीमियम फॉर एडल्ट कैटेगरी सो जेड इंटू कैटेगरी मीन प्लस वन माइनस जेड इंटूवरऑल मीन ठीक है ना जीरो पॉइंट एट वन सिक्स नाइन कैटेगरी मीन कितना है एडल्ट का कैटेगरी मीन कितना है सिक्सटी एट पॉइंट फोर प्लस वन माइनस जीरो पॉइंट एट वन सिक्स नाइन ओवरऑल मीन कितना है ओवरऑल मीन निकालना पड़ेगा फिफ्टी पॉइंट फोर प्लस सिक्सटी एट पॉइंट फोर प्लस सेवेंटी फोर प्लस फिफ्टी एट पॉइंट टू ये पूरा चीज डिवाइडेड बाय फोर तो फाइनल मेरा आंसर कितना आ रहा है सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री सिक्स फाइव फाइव ठीक है देख लो इसको ट्राई करो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन फोर्टीन सब ट्राई करो ठीक है, हां चलो आओ नेक्स्ट में चलते हैं अब अ फोर इंटू फोर कोरिलेशन मेट्रिक्स विथ कार्ल पियर्सन्स मेथड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द डेटिंग एप्लीकेशन रंबल टेबुलेटिंग द सैंपल कोरिलेशन को अंडर एटीन एडल्ट डाइफोर्स्ट सीनियर्स बेस्ड ऑन दिस टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ठीक है टीन एजर्स एंड एडल्टेन टू शो सिमिलर डेटिंग बिहेवियर टीन एजर्स मतलब अंडर एटीन एंड एडल्टिम डेटिंग बिहेवियर ठीक है फिर उसके बाद में अपने को बोलता है डेटिंग बिहेवियर फॉर सीनियर्स इज हार्डली रिलेटेड टू द डेटिंग बिहेवियर फॉर एडल्ट्स एडल्ट्स एंड डाइवोर्सिज टेंड टू शो डिसिमिलर डेटिंग बिहेवियर डेटिंग बिहेवियर ऑफ सीनियर्स इज मोर सिमिलर टू टीन एजर्स दैन टू डाइवोर्सिज बताओ क्या होगा ऑप्शन ए सही है क्योंकि टीनेजर्स एंड एडल्ट शो पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स थ्री मैंने अंडर एटीन का सॉरी डेटिंग एप्लीकेशन है ना तो अंडर एटीन का एडल्ट के साथ एंड एडल्ट का अंडर एटीन के साथ है ना जीरो पॉइंट सिक्स थ्री हो रहा है ठीक है फिर ऑप्शन बी इज ट्रू है सीनियर्स एंड एडल्ट शो अ को रिलेशन ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू विच इज वेरी क्लोज टू जीरो वही बोला ना रेटिंग बिहेवियर फॉर सीनियर्स इज हार्डली रिलेटेड टू द रेटिंग बिहेवियर फॉर एडल्ट्स एडल्ट्स और सीनियर्स का देखो 0.02 है ना इसका मतलब क्या है हुँ? मैंने हार्डली कोई रिलेशन है दोनों में फिर बोलते हैं एडल्ट्स एंड डायवोर्सिज टेन टू शो डिसमिलर डेटिंग बिहेवियर ऑप्शन सी इज टू एज अ नॉन डाइवोर्स एडल्ट एंड डाइवोर्स तो नॉन माने नॉन डाइवोर्स एडल्ट माने एडल्ट एंड डाइवोर्स एडल्ट तो एडल्ट संग डायवोर्स का कितना है माइनस जीरो पॉइंट फाइव वन है ना डिसिमिलर का मतलब क्या होता है मैंने जब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है

ठीक है क्या क्वेश्चन बनाया भाई ठीक <laughs> है तो बेसिकली ऑप्शन डी इज करेक्ट मैंने आपको यहां पर क्या देखना था कि पॉजिटिव कोरिलेशन है मतलब सिमिलर बिहेवियर अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका मतलब क्या है सिमिलर बिहेवियर ठीक है अगर नेगेटिव कोरिलेशन है इसका मतलब क्या है डिसिमिलर बिहेवियर ठीक है ना इट इज डिसाइडेड टू परफॉर्म अ अटिकल टेस्ट टू चेक वेदर बिहेवियर ऑफ टीन एजर्स एंड अनकोरिलेटेड विद ईच अदर स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी यूज परफॉर्मिंग दिस स्टेटिस्टिकल टेस्ट वॉट इज द वैल्यू ऑफ द टेस्ट दस्टिक फॉर द अबव टेस्ट सो टेस्ट स्टेटिस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा आर रूट अंडर एन माइनस टू बाय रूट अंडर वन माइनस आर स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा आर क्या होगा किसका किसका बोला है टीनेजर्स एंड डाइवोर्सिस सो अंडर एटीन एंड डाइवोसिस जीरो पॉइंट वन टू सो जीरो पॉइंट वन टू रूट अंडर एन कितना है कितना कैटेगरी है चार है ना ना सीनियर है डिवोर्स है एडल्ट है और अंडर एटीन है ना फाइव क्यों लिखा है फिर ये लोग फाइव लिख के किया लोग तो क्वेश्चन में है ना फाइव क्यों होगा एनी एनी आंसर फाइव क्यों होगा यार लोग का बहुत जगह पे थोड़ा थोड़ा गलती भी रहता है एक्चुअली एक बार कैलकुलेट करो ना रूट टू से कैलकुलेट करके देखो ना कितना आ रहा है एक बार रूट टू से कैलकुलेट करो फाइव इयर्स कहाँ लिखा है फाइव ईयर्स तो लिखा नहीं है तो अच्छा यहां पर लिखा है देखो फॉलोइंग डेटा टेबलेट द नंबर ऑफ मैचेस ऑन अ डेटिंग एप्लीकेशन रंबल फॉर द लास्ट फाइव इच साल का डेटा है ना इसलिए को ये लोग फाइव लिया है ठीक है डेटा पांच साल का है कनेक्टिंग क्वेश्चन है बेसिकली डेटा पांच साल का है इसलिए लोग उसको फाइव लिया है तो फाइव माइनस टू बाय रूट अंडर वन माइनस जीरो पॉइंट वन टू का टू का स्क्वायर है ना तो ये कितना आएगा जीरो पॉइंट टू वन फिर उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस correctly represents the पी वैल्यू फॉर दिस टेस्ट एंड द conclusion ऑफ दिस statistical टेस्ट at फाइव परसेंट ठीक है सो प्रोबेबिलिटी टी थ्री ग्रेटर देन देखो टी थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा ना फाइव माइनस टू सो फाइव माइनस टू इज थ्री टी थ्री ग्रेटर देन जीरो पॉइंट टू सेवन सिक्स सेवन इज फोर्टी परसेंट तो अगर टी थ्री को मैं बोलूंगा जीरो पॉइंट टू वन से बढ़ाओ ये देखो ये है टी डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां पर आएगा 0.21 और यहां पर आएगा 0.27 तो इससे बड़ा होने का प्रोबेबिलिटी अगर 40% परसेंट है तो इससे बड़ा होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 40% परसेंट से ज्यादा होगा ना सो ग्रेटर देन 21 विल बी ग्रेटर देन 40 परसेंट सो ग्रेटर देन 40 परसेंट का मतलब क्या है आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो तो समवेयर कहीं यहां होगा ना ट है आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो तो पांच परसेंट है और जो पी वैल्यू आ रहा है दैट इज व्हाट ग्रेटर देन तो इसका मतलब क्या है वी हैव इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट नॉट एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है ना सो डेटिंग बिहेवियर ऑफ टीन एजर्स एंड डिवोर्सिस इज अनकोरिलेटेड ठीक है तो क्या चीज के लिए टेस्टिंग कर रहे थे अनकोरिलेटेड और नॉट तो आपने क्या बोल सकते हैं डेटिंग बिहेवियर ऑफ ऑप्शन होगा सी डेटिंग बिहेवियर ऑफ टीनेजर्स एंड टीनेजर्स एंड क्या होगा डाइवोर्सीज ठीक है देख लो इसको देख लो इसको आराम से ठीक है हा चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 देखो योर टीम मेंबर मिस्टर लेफ्ट वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट व्हिच इन्वॉल्व फिटिंग अ लीनियर एग्रेशन मॉडल फॉर टेस्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग ऑफ अ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू फर्टिलाइजर डी

fertilizer employed in the field per hectare Thieke? Mr. Left has resigned and the fitted linear regression model which was saved on his laptop cannot be retrieved as his laptop has been formatted. You have to give a presentation to the fertilizer manufacturing company tomorrow on his writing desk you find a printout which contains details of sample of 10 X i values corresponding fitted YI values.

e i for each pair a to j based on this you have constructed the following scatter plot every point shown in the plot is x comma y where y is what y apna kya hai? y hat plus error also the fitted regression line has been back calculated based on the data available from the printout and plotted in the graph as the red line how many minimum pairs of xi x i y i hat will you require to obtain the regression equation of y on वाई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स बताओ मिनिमम कितना चाहिए मिनिमम ऑफ टू पेयर्स चाहिए मिनिमम ऑफ टू पेयर्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर क्या होगा मिनिमम ऑफ टू पेयर्स क्यों मिनिमम ऑफ टू पेयर्स आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कितना पॉइंट चाहिए दो पॉइंट चाहिए ठीक है उसके बाद में ए टू to फाउंड इन द प्रिंट आउट द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर वाई ऑन एक्स ठीक है तब कोई भी दो पॉइंट्स ले लो ठीक है जैसे इन्होंने कौन कौन सा पॉइंट्स लिया क्वेश्चन नंबर 17 के लिए इन्होंने कौन कौन सा पॉइंट्स लिया इन्होंने लिया है 10.40 और इन्होंने लिया है इन्होंने लिया है टेन कॉमा फोर्टी और इन्होंने लिया है थर्टी कॉमा वन फोर्टी ठीक है सो फोर्टी इज इक्वल टू वॉट एल्फा प्लस टेन बीटा एंड वन फोर्टी एल्फा प्लस थर्टी बीटा तो बीटा का वैल्यू यहां से आ जाएगा सेवन लॉ ऑफ करके फाइव अल्फा का वैल्यू आ जाएगा माइनस टेन सो वाई मेरा क्या हो जाएगा माइनस टेन प्लस फाइव एक्स यूजिंग द प्लॉट डिपिक्टेड अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स बार वाई बार फॉर द ट्रायल डेटा सेट ऑफ हंड्रेड वैल्यूज जो भी लाइन होगा वो एक्स बार बार से तो पास करेगा ठीक है अब यहाँ पर देखो जो प्लॉट जो बनाया पहले प्लॉट देखो कौन सा लाइन एकदम पूरा एग्जैक्ट पास कर रहा है H. तो वही मेरा एक्स बार और करेगा स्ट्रेट लाइन से पास करेगा, करेगा मैंने इसको छू के निकलेगा ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर लाइन में खाली एक ही पॉइंट एच तो वही क्या हो जाएगा मेरा एक्स बार और ई बार तो मेरा एक्स बार कितना हो जाएगा 45 और मेरा वाई बार कितना हो जाएगा 215 ठीक है फिर उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन माइनस एन माइनस वन बाय सॉरी अगेन गलत कर दिया मैं वन माइनस एन माइनस वन बाय एन माइनस के माइनस वन इंटू वन माइनस आर स्क्वायर यही क्या फॉर्मूला चेक करो तो हाँ? फटाफट चेक कर सब लोग ऑनलाइन में बताइए ये क्या फॉर्मूला वन माइनस हंड्रेड माइनस वन बाय हंड्रेड माइनस वन माइनस वन इंटू वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन ठीक है ड कॉल मिस द लेफ्ट एंड ही इन्फॉर्म्ड यू दट द मॉडर वॉज फिटेड बेस्ड ऑन हंड्रेड वैल्यूज ऑफ एक्स एन वाई है ना तो सिक्सटी नाइन पॉइंट सिक्स नाइन आएगा आंसर फिर अपने को बोल रहे हैं यू डिसाइडेड टू चेक वेदर द पैरामीटर आर सिग्निफिकेंट यूजिंग वन वे अनोवा If the वैल्यू ऑफ अनोवा एफ स्टेटिस्टिक इज टू ट्वेंटी नाइन वॉट इज द कंक्लूजन एट वन पर्सन लेवल ऑफ ठीक है तो so, आपको क्या करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा F 1.98 कामा नाइन्टी एट एट द रेट वन परसेंट सो आपको टेबल में क्या दिया होगा F 1.60 कामा सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो सेवन सेवन एफ वन कॉमा वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट फाइव वन तो इन दोनों के बीच में लाइक करेगा बट आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितना है टू ट्वेंटी नाइन तो रिजेक्ट हो जाएगा ना वी हैव इन बेसिकली इसमें क्या बोल सकते हैं वी हैव क्या होगा बोलो अनोवा जो टेस्ट होता है वो किसके लिए टेस्ट होता है वेदर बीटा इज इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है वी हैव सफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट एट्स नॉट एट द रेट वन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ठीक है हम लोग का यहां पर एच नॉट क्या था बीटा इक्वल टू जीरो और ऑल्टरनेट क्या है बीटा नॉट इक्वल टू जीरो तो अपने ये वाला ले रहे बेसिकली ठीक है ना तो आज मैंने सारा खिला दिया आज यही यहीं तक करेंगे अब आप लोग ये वीक में इसका पूरा कर लो पेपर फिर नेक्स्ट वीक इसका सारा मैं थ्योरी क्वेश्चंस भी मैंने जो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस है वो सब भी करा दूंगा ठीक है ना होप्स आप लोग का आज अच्छा रिविजन हुआ होगा थैंक यू ऑल ऑफ यू और ये अला क्लास को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा थैंक यू ऑल ऑफ यू